वेलकम यू ऑल। आज हम लोग स्टेटमेंट टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम से, ये हमारी प्रैक्टिस सीरीज जो चल रही है स्टार्टिंग से, इसमें हम लोग जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस हैं या फिर उसके जैसे सिमिलर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर रहे हैं। तो जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टेटमेंट टाइप वाले जो क्वेश्चन हैं वो अगली सीरीज से आना स्टार्ट होंगे, तो उसमें मैंने पहला क्वेश्चन जो सेलेक्ट किया है वो आपको बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा सा आपको पढ़ने में दिखाई पड़ रहा होगा मैं श्योर हूँ जहाँ तक। वैसे मैं रीड करूँगा अभी क्वेश्चन, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है पहले और फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। वेद ये टॉपिक है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड, ठीक है ना। तो वेद ट्रेवल 600 किलोमीटर टू हिज होम, अपने घर से वेद जो है 600 किलोमीटर चल रहा है, पार्शियली बाय ट्रेन, यानी कुछ दूर वो ट्रेन से चलता है एंड पार्शियली बाय कार, और कुछ दूर वो कार से जाता है। ही टेक्स 8 आवर इफ ही ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन, और अगर इस 600 में से 120 किलोमीटर वो ट्रेन से जाता है, बाकी बचा हुआ वाला जो डिस्टेंस होगा वो कार से ट्रेवल करेगा, तो उसको टोटल टाइम जो लग रहा है वो है 8 आवर्स। बात क्लियर हुई कि ट्रेन से और कार से दोनों से चलने में उसको जो टोटल टाइम कंज्यूम हो रहा है वो 8 आवर्स का है। नेक्स्ट, एंड रेस्ट बाय कार, उसी क्वेश्चन का पार्ट है। ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर, उसको 20 मिनट ज्यादा समय लगता है, इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब वो 120 के बजाय कितना दूर चले, 200 किलोमीटर, एंड द रेस्ट बाय कार, और बाकी अगर 200 वो ट्रेन से जा रहा है तो बाकी 200 अगर इसमें माइनस कर दें 600 में से, तो 400 किलोमीटर वो किससे जा रहा होगा, बाय कार। तो फाइंड द स्पीड ऑफ कार एंड ट्रेन। तो ये आपका क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि टोटल हमारे पास दो केसेस हैं। पहले केस में वो ट्रेन से चल रहा है 120 किलोमीटर में, 120 किलोमीटर केवल, बाकी बचा हुआ कार से जा रहा है। दूसरे में वो ट्रेन से 200 किलोमीटर जाता है, बाकी का 400 वो कार से जाता है। तो हमारे पास दो कंडीशन हैं और फिर हमें उन्हीं दो कंडीशन की हेल्प से दो जो वेरिएबल होंगे उनकी हेल्प से पेयर ऑफ इक्वेशंस बनाने होंगे और उन इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्लियर है, आगे हम लोग सॉल्यूशन साथ में करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या काम करिए, लेट अस सपोज आप अज्यूम करिए कि हमारे पास ट्रेन है और कार है। तो ट्रेन और कार की स्पीड के लिए वेरिएबल आप अज्यूम कर लीजिए कि लेट अस से ट्रेन की स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर, और कार की जो स्पीड है वो है वाई किलोमीटर पर आवर। अज्यूम कर लीजिए कि ट्रेन की स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर है और कार की स्पीड क्या है, वाई किलोमीटर पर आवर है। तो अगर अगर मैं कहूं कि पहले फर्स्ट 120 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो रिमेनिंग 600 में से अगर मैं 120 माइनस कर दूं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 480 किलोमीटर। ये किससे जाया जा रहा होगा, बाय कार ना, ये किससे जा रहा होगा, कार से। तो 120 किलोमीटर कार ट्रेन से है और 480 किलोमीटर किससे है, बाय कार है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला जो होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं कहूं टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो टाइम जो कार से लग रहा होगा, टाइम जो कार ने एज्यूम किया होगा, कंज्यूम किया होगा, डिस्टेंस कितना गया है बाई कार, 480 किलोमीटर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ कार, कार की स्पीड हमने क्या एज्यूम करी है y, ये कितना हो गया y, ये कितना टाइम लगा होगा कार से, और वही टाइम अगर ट्रेन की मैं बात करूं, टाइम फॉर कार टाइम फॉर ट्रेन, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई x। हमने अलग अलग दोनों टाइम को निकाल लिया है कि कार से कितना टाइम लगेगा और ट्रेन से कितना टाइम लगेगा, और क्वेश्चन में दिया है कि जो टोटल टाइम लगा है वो कितना लगा है 8 आवर्स, 8 घंटे टोटल लगा है, यानी टीसी प्लस टीटी इज इक्वल टू 8 आवर्स क्वेश्चन में दिया है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 480 अपॉन वाई प्लस 120 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 8। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, यानी अगर यूं कहूं तो ये हो गया केस वन, केस फर्स्ट। अगर ये केस वन है तो 120 अपॉन एक्स 480 वाई इज इक्वल टू 8। अगर केस टू की मैं बात करूं, केस टू हो, अगर केस टू में क्या है, केस टू में ही टेक्स 20 मिनट लॉन्गर, उसको 20 मिनट ज्यादा टाइम लगता है, यानी पहले कितना लगता था उसको, यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, पहले उसको लगता था 8 आवर्स, 20 मिनट जो इसमें दिया है, अगर मैं 20 मिनट को आवर में बदल दूं, 20 मिनट को आवर में बदलूं तो क्या लिखना पड़ेगा भाई, 20 डिवाइडेड बाई 60, आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा 1/3, तो 8:1/3 आवर, ये हो गया। अभी भी हम लोग वही काम करेंगे। अब देखिए, केस टू में 200 किलोमीटर बाई ट्रेन चल रहा है वो, तो बाई ट्रेन जो फिर से टाइम लगने वाला है 200 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, और स्पीड ट्रेन की कितनी है हमने अज्यूम किया है x, और अगर मैं यही कहूँ कार से वो कितना चल रहा है बाई कार, तो 200 नहीं, अब इस बार कार से कितना हो जाएगा, टोटल 600 है, तो 600 में से 200 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई y। तो टोटल टाइम बाई ट्रेन, टोटल टाइम बाई कार, दोनों का मिला के अगर मैं लिखूं इस बार 400 अपॉन y 200 अपॉन x इज इक्वल टू, टोटल टाइम हमने यहां पे अज्यूम किया है, सॉरी कन्वर्ट किया है, क्योंकि वहां पे 20 मिनट ज्यादा टाइम लग रहा है, तो 8:1/3 लिखना चाहते हैं, 8 3 24 प्लस 1 25/3, ये हो गया हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर वन, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड होता है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर हम यहां एज्यूम कर लें 1/x को, 1/x को u एज्यूम कर लें, और 1/y को अगर हम v एज्यूम कर लें, 1/x को, 1/x को u एज्यूम कर लें और 1/y को v एज्यूम कर लें, तो इक्वेशन ये कन्वर्ट हो जाएगी 480 v प्लस 120 u इज इक्वल टू 8, हो जाएगी या नहीं। 1/y की जगह पे हम v रख देंगे और 1/x की जगह पे u रख देंगे और 8, और अगर हम देखें ये दोनों इक्वेशन 8 से डिवाइड हो रही है, तो ये हो जाएगा 8 6 40 60 v प्लस 8 15 8 या u इज इक्वल टू 1, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। आई थिंक ये बिल्कुल हमारा एकदम शॉर्ट, सॉरी थर्ड लिखिए, ये हमारा एकदम थर्ड इक्वेशन बनेगा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर अभी इस इक्वेशन को देखें तो ये हुआ 400, ये हो जाएगा v
प्लस 200 ये हो जाएगा u इज इक्वल टू 25/3। इस इक्वेशन को भी सिंपल किया जा सकता है, अगर मैं 25 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो 25 1 जा 25 8 जा और ये हो जाएगा 16, तो ये बनेगा 16v प्लस 8u इज इक्वल टू 1/3। और अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो बनेगा 48v 24u इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा हमारा दो इक्वेशन, यानी दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बस अब कुछ नहीं बचा है, इसके आगे आप मेथड जानते हैं। हमें सबसे मेन जो कार्य करना है, जो काम करना है, वो है इक्वेशन को फ्रेम करना। एक बार मैं फिर से ये पूरा आपको समझा देता हूं, फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। वेद ट्रेवल 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय कार, मतलब कुछ दूर वो ट्रेन से जाता है और कुछ दूर वो कार से। ही टेक्स 8 आवर्स इफ ही ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर उसको 8 घंटे लगता है 120 किलोमीटर वो ट्रेन से जाए, बाकी का रेस्ट बाय कार, बाकी वो कार से जाए। तो 120 वो बाय ट्रेन गया था और 600 - 120 480 वो बाय कार से गया। अगले कंडीशन में दिया है कि 20 मिनट्स उसको ज्यादा लगता है लॉन्गर इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, अब वो 200 किलोमीटर बाय ट्रेन से जा रहा है, केस टू में 200 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रहा है तो बाकी का 400 वो किससे जा रहा होगा, कार से। हमने एज्यूम किया ट्रेन की एक स्पीड, कार की एक स्पीड वाई किलोमीटर पर आवर, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कौन से व्हीकल ने बाय ट्रेन बाय कार से कितना चला गया है वो लिखा, उसके नीचे उसकी स्पीड। तो ये आया टाइम ऑफ कार और ये आया टाइम ऑफ ट्रेन, दोनों को जोड़ने पर कितना लगा, 8 आवर्स। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेम वैसे ही इक्वेशन नंबर 2 को भी बनाया है, लेकिन टाइम यहां पर 20 मिनट ज्यादा लगा है, तो 8 घंटे में 20 मिनट को और ऐड करना है, तो पहले उस 20 मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, आवर में, और इसके बाद हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई है। तो अब मैं यहां पर मिटाऊंगा और इसके बाद इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को मैंने यहां पर लिख लिया है, अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने आप लोग को कैसे बताया था कि हम लिखेंगे फर्स्ट वेरिएबल यू के नीचे पहला कोफिशियंट, मतलब इसको क्लोज कर लेंगे, हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 48, ये होगा -1 -1। यू के बाद वी को लिखेंगे, तो वी को क्लोज करेंगे तो फिर -1 -1 15 24। इसके बाद 1 डिवाइडेड बाई ये कोफिशियंट को क्लोज करेंगे, ये हो जाएगा 15 24 60 48। बस मल्टीप्लाई करना है, u इज इक्वल टू 61 - 60 - 60 48 1 - 48, लेकिन -48 इज इक्वल टू v -24 - +15 इज इक्वल टू 1/15 × 48 -60 × 24। बस आपको थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, u इज इक्वल टू -60 - +40 - 12 इक्वल टू v इज इक्वल टू -24 + 15 - 9। थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, इज इक्वल टू 1/15 × 48 इज इक्वल टू 720 -24 × 60 24 × 6 = 24 6 2 12 14 1440। ओके, और अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट करें तो u अपॉन -12
इक्वल टू वी अपॉन माइनस नाइन इज इक्वल टू, इसको आप सब्सट्रैक्ट करें तो आई थिंक यही आएगा 720 ही आएगा. इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे यहां पे, एक एक करके एक एक इक्वेशन, u बाई माइनस 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 720. माइनस माइनस कैंसिल, u इज इक्वल टू 12 अपॉन 720. ऐसे सॉल्व करेंगे तो 12 सिक्स जा 1 बाई 60, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई 60. बट आप मुझे ये बताइए u इज इक्वल टू 1 बाई 60 है, तो हम u की जगह पे अगर 1 बाई 60 यहाँ पे रख दें, 1 बाई 60 तो 1 कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, और ये किसकी स्पीड है, x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है, ये रही ट्रेन की 60. सिमिलरली अगर हम इसको लिखें v वाला ये कैंसिल करें तो v अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 बाई 720, तो 9 8 जा 72 80 आएगा, तो v इक्वल टू 1 बाई 80. हमने v को क्या माना है 1 बाई y, तो y यहां से कितना आ जाएगा 80, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर. यही क्वेश्चन में पूछा गया था, y हो जाएगा 80. तो ऐसे आप दोनों क्वेश्चन को आराम से, दोनों केसेस बना के इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं. आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से करना है. क्वेश्चन इजी है, आराम आराम से समझने पर आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा. चलिए ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान से देखिए, मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बाकी सॉल्व वैसा ही होगा. अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम. ये क्वेश्चन बोट वाटर रिवर में जब नाव चल रही है उस केस के ऊपर बनाया हुआ है. एंड 36 डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स. सेम क्वेश्चन. ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम. ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. आपको एक बात समझना है, पहले आपको मैं लिख देता हूं. लेट अस सपोज मैं बोट की स्पीड मान लेता हूं. बोट स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर. ये मैंने मान लिया बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. इन स्टिल वाटर. अब दो केसेस हो सकते हैं. पहले आप स्टिल वाटर का मतलब समझिए कि स्टिल वाटर मतलब क्या है. स्टिल वाटर का मतलब ये है कि पानी बिल्कुल रुका हुआ है. पानी में कोई मूवमेंट नहीं है और आप अपनी नाव जो है वो आप बोट जो है आप लेकर उतरे हुए हैं और बिल्कुल सेफली आप एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव को चला रहे हैं. ये एक्स कुछ भी हो सकता है, 30 किलोमीटर हो, 40 किलोमीटर हो, कुछ भी हो, लेकिन पानी जो है वो क्या है, रुका हुआ है. अब आपके सामने दो केस हैं. पहला है अपस्ट्रीम और दूसरा है डाउनस्ट्रीम. आप अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब समझिए. अपस्ट्रीम मतलब चढ़ाई करना, ऊपर जाने की बात हो रही है. तो लेट अस सपोज अगर ये एक माउंटेन जैसा ऐसे आप रास्ते से आ रहे हैं और अचानक से कोई एक ऊंची जगह पड़ती है, तो यहां पर आपकी स्पीड जो भी हो, अगर लेट अस सपोज 60 किलोमीटर पर आवर है, तो ऊपर जाते समय यहां से इस तरीके से आपको ऊपर जाते समय आपकी स्पीड में क्या आएगी, थोड़ी सी कमी आएगी.
क्योंकि आप अगेंस्ट चल रहे हैं, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, नॉर्मल सीधे सीधे चल रहे थे हॉरिजॉन्टली, लेकिन अब आप अगेंस्ट चल रहे हैं ऊंचाई के। ऊपर जैसे जाएंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपकी स्पीड क्या होगी, घटेगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि पावर का फॉर्मूला है फोर्स इंटू वेलोसिटी। थोड़ी सी इजी अगर फिजिक्स यहाँ पर डालें तो अगर पावर कॉन्स्टेंट है इंजन का, तो मुझे ऊपर जाने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे फिजिक्स अप्लाई कर लेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अपस्ट्रीम में अगर जा रहे हैं तो आपकी स्पीड क्या होगी, थोड़ी घटेगी। स्पीड क्या हो जाएगी, कम, यानी डिक्रीज हो रही है। ओके, डाउनस्ट्रीम। अब आप ऐसा एज्यूम करें कि आप यहाँ हैं और यहाँ से आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिक जो आपकी स्पीड बल्कि रहेगी एक्स किलोमीटर पर आवर, उससे आपकी स्पीड क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। यानी एक्स में डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐड होने वाली हैं अगर आप कौन सी स्थिति में हैं, डाउन स्ट्रीम में हैं। और अगर आप यही अप स्ट्रीम में रहते तो आपकी स्पीड में एक्स में से कोई चीज़ें क्या होने वाली थी, सब्सट्रैक्ट होने वाली थी, ठीक है ना, कोई ना कोई चीज़ घटाई जाएगी और एक्स में क्या होगी, ऐड होगी ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम। साइकिल आप चलाते हैं और साइकिल आप रोड पर चल रहे हो लेकर, और सामने से हवा आ रही हो आपके, अगेन आप जाना इधर चाह रहे हो और हवा इधर से आ रही हो, आपकी स्पीड घट जाती है, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, आपको ज़्यादा पैडल लगाना पड़ेगा। अब आप ऐसा एज्यूम करें कि आप जा इधर ही रहे थे, लेकिन हवा अब इस बार पीछे से आ रही है, तो हवा क्या कर रही है, आपको सपोर्ट करेगी और आपकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो आई होप यहां तक क्वेश्चन क्लियर है। तो सिमिलरली अगर आप पानी की भी कुछ स्पीड मान लें कि पानी भी भाई कुछ स्पीड से चल रहा है, पानी में भी कोई स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, यहां पर मैंने एज्यूम कर लिया है, तो आप खुद सोचिए कि अगर मैं इधर जा रहा हूं x किलोमीटर पर आवर से, और नदी भी इसी डायरेक्शन में लहर रही है, नदी भी इधर ही चल बह रही है, तो हमारी जो स्पीड होगी, नदी की पानी, नदी का जो पानी होगा वो हमको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो अगर ये y किलोमीटर पर आवर हुआ तो यहाँ पर टोटल जो स्पीड हमारी हो जाएगी, एक्चुअली x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, यानी ये कहलाएगा डाउन स्ट्रीम। यानी क्या है, ढलान है, और हमारी स्पीड में क्या होगा, इंक्रीमेंट आएगा, स्पीड हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगा। सेम कंडीशन है, अब इस बार जो पानी है वो इधर न बहाव होके बल्कि इस तरफ है, यानी जिधर आप जाना चाह रहे हैं, आप जाना चाह रहे हैं इधर, लेकिन अब इस बार पानी की चाल वही है, पानी की रफ्तार में कोई बढ़ाव घटाव नहीं है, y किलोमीटर ही है पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, फिर भी आप x माइनस वाई हो जाएगा आपकी स्पीड। आप यहां ऐसा पूछ सकते हैं कि हमने y माइनस एक्स क्यों नहीं किया है। अगर y माइनस एक्स कर देंगे, यानी y ज्यादा हो गया, पानी की ही स्पीड बहुत ज्यादा है, तो नाव तो इधर बढ़ ही नहीं पाएगी। अगर आपकी स्पीड से ज़्यादा वाटर की ही स्पीड है, तो वाटर तो आपको दूसरी तरफ ही बहाव बना के रखेगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन को फिजिबल बनाने के लिए, ताकि क्वेश्चन का एक प्रॉपर सोल्यूशन आए, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि हमारी चाल ज़्यादा है, पानी की भी चाल कुछ है, लेकिन हमसे चाल उसकी क्या है, कम है, तो उसके अगेंस्ट में है, तो एक्स माइनस वाई। बस आपको यही करना है, और आराम से आप इस क्वेश्चन को अब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये x प्लस वाई है और ये x माइनस वाई है। फॉर 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम में ट्रेवल करता है और 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में ट्रेवल करता है, तो टोटल उसको लगते हैं 7 आवर्स। एंड ऑल्सो इट कवर 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। फाइंड द स्पीड। एक चीज मिसिंग है यहां पे, 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स। यस, इन 9 आवर्स, 9 घंटे में। तो फिर से वही टाइम आप क्या लिखेंगे, टाइम अपस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस अपॉन, अपस्ट्रीम के लिए क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम में चल रहा है तो डिस्टेंस कितना है, 32 अपॉन अपस्ट्रीम है, तो x माइनस वाई प्लस कर देंगे, प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम,
कितना चल रहा है 36 अपॉन एक्स प्लस वाई, और ऐसा करने में उसको टोटल टाइम कितना लग गया 7 आवर्स का। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरे कंडीशन में 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम में है तो 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 48 किलोमीटर डाउन में है तो 48 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इस बार उसको लग रहा है 9 आवर्स। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो आप बड़े आराम से इस x प्लस वाई और x माइनस वाई को, x प्लस वाई और x माइनस वाई को, यानी 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू एज्यूम कर लीजिएगा u, और 1 अपॉन x प्लस वाई को एज्यूम कर लीजिएगा v, और यहाँ पर रख के लीनियर इक्वेशन बना के दोनों को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये दो क्वेश्चन आपके स्पीड और टाइम से रिलेटेड थे। तो टिल दिस पॉइंट आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आप और बुक में जो एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच। और इसके आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे, स्टेटमेंट टाइप वाले। अभी तक फिलहाल 2 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, अच्छे लेवल के हैं। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो और भी क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।